कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसके पीछे कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। मैम 0 0 के पैर दो एक से ज्यादा बार आ सकते हैं। मतलब ऐसे समझो कि इनिशियल स्टेट हमारी, हाँ, एक से ज़्यादा बार आ सकते हैं, ये है। इस पे हम एक ज़ीरो देंगे तो एक स्टेट पे आएंगे, फिर एक ज़ीरो देंगे तो फाइनल स्टेट पे आएंगे। मतलब ये सबसे मिनिमम स्ट्रिंग है, मैंने आपको बताया था ना पहले, हमें सबसे पहले मिनिमम स्ट्रिंग ढूंढनी पड़ती है। तो सबसे मिनिमम स्ट्रिंग हमारी 0 0 है, ठीक है, आई बात समझ में। फिर इसमें यस मैम। हमें देखना पड़ेगा 1 0 0 कैसे एक्सेप्ट होगा या 0 0 1 कैसे एक्सेप्ट होगा। समझ में आ गई? जैसे यस मैम। मैं बताऊं क्या? नो मैम ट्राई कर लेंगे। मैम सेकंड वाला बताइए। सेकंड सेकंड वाला वाला बताओ क्या था? मैम ये सेकंड हिंट इसकी सही है ना, वाला भी नहीं। ये हिंट हो चुकी है। मैंने सेकंड वाला बनाया। स्टार्टिंग अब आपको बस ये देखना है कि इस पे 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे 1 कहाँ आएगा, यहाँ 1 कहाँ आएगा, यहाँ 1 कहाँ आएगा, और यहाँ 0 कहाँ आएगा, क्योंकि इसके 0 भी मिसिंग है और इसका 1 भी मिसिंग है। इसका केवल 1 मिसिंग है, इसका केवल 1 मिसिंग है। तो आपको केवल 1 का ट्रांजिशन देखना है, इसमें 1 का ट्रांजिशन देखना है, इसमें 0 1 का ट्रांजिशन देखना है, ठीक है। कल हम तीनों क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे, आज आप लोग भेज देना मुझे। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? ना यही था पहला क्वेश्चन। पहला तो ये था, दूसरे में डाउट था ना। दूसरा वाला मैम ट्राई किया सेंड स्टार्टिंग करूं विद क्या? के और एंडिंग विद। हाँ, मैंने क्या बोले थे, स्टार्टिंग विद, रफ कर दो इसको। यस मैम। यस मैम। हाँ, पहले दूसरे वाले क्वेश्चन में था कि स्टार्टिंग विद एन एंडिंग विद ए, राइट? यस मैम। यस तो उसमें उसमें तो वो भी सिंपल है, मतलब ए मैम आना मैम चाहिए, बनाया सेंड इससे करूं कुछ क्या? भी आना चाहिए। और नहीं, आप अपने असाइनमेंट अपने नाम के थ्रू उस पर टीम पे डालना, मैं आपको कल इसके आंसर बताऊंगी, फिर आप खुद ही पता चल जाएगा नंबर कितने आपके, ठीक है। इसमें ये है कि स्टार्टिंग में आपका ए आना चाहिए, एंड में ए आना चाहिए, बीच में कुछ भी आ सकता है, तो मैम और भी क्यू नोट सिंपल का है। बी कहाँ जाएगा? आप एक बार देखो इसकी मिनिमम स्ट्रिंग क्या होनी है, ए और ए, ए। ठीक है। तो क्यू नोट बनाया, इनिशियल स्टेट पे इसमें ए दिया, ये Q1 पे आ गया, फिर ए दिया, फिर ये Q2 पे आ गया, Q2 पे आ जाएगा फिर, तो ये मिनिमम स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, इसका बी कहाँ आएगा, इसका बी कहाँ आएगा, इसका बी, ये आपको डिसाइड करना है। आप किसका बी पूछ रहे थे? इनिशियल में बी कैसे आएगा? मतलब जैसे इनिशियल में क्या इस है कि अगर वो बी आता है, सपोज बी आता है, तो हम एक ऐसी स्टेट पे जाएंगे जिसे हम डेड स्टेट बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं हम Q3, ये ए और बी। अगर हमारी स्टार्टिंग कभी भी बी से हो रही है, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या था कि ए से स्टार्ट होनी चाहिए और ए से एंड होना चाहिए, यही क्वेश्चन था। अगर लेकिन स्टार्टिंग हमारी बी से हो गई, मतलब कोई स्ट्रिंग ऐसी आ गई मेरी बी ए, तो जैसे ही बी आएगा स्टार्ट में, तो हम एक स्टेट, अलग स्टेट पे जाएंगे जो फाइनल नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं डेड स्टेट। डेड स्टेट का मतलब है अगर स्टेट पे पहुंच गए तो कभी भी इस स्टेट से वापस नहीं आ सकते। मैम हमें वैसा स्टेट तो लेना ही नहीं है जिसमें बी स्टार्ट करे। स्टार्ट तो नहीं ए नहीं से मैंने करना। आपको क्या बोला था कि हर स्टेट पे दोनों ट्रांजिशन देखने होते हैं हमें, बी कहाँ जा रहा है और ए, इस पे भी बी और ए, और इस पे भी बी और ए। तो डेफिनेटली आपकी इनिशियल स्टेट पे भी बी का ट्रांजिशन आपको देना पड़ेगा। मैम तो ऐसा कोई स्ट्रिंग थोड़ी ना बना सकते हैं कि बी ए बी। मैम बी देखो सी से स्टार्ट स्ट्रिंग हो। सारी पॉसिबल है, स्ट्रिंग तो सारी पॉसिबल है, आप नहीं बनाओगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो यूजर डालेगा, आप तो केवल ये मॉडल डिजाइन करोगे। आपका मॉडल ऐसा होना चाहिए कि यूनिवर्सल हो। अब स्ट्रिंग तो मैं कोई कुछ भी डाल सकती हूँ ना, मैं ये भी डाल सकती हूँ बी, ये भी। तो इस पे आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। आप अपने हिसाब से स्ट्रिंग डिजाइन नहीं करोगे, स्ट्रिंग डिसाइड यूजर करेगा। आपको तो ऐसा बनाना है कि कुछ भी आ जाए, मेरा मॉडल अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो केवल सही चीज को एक्सेप्ट करेगा, नहीं कर रहा तो वो नहीं करेगा। यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम वांट टू से, यस मैम। ठीक है। और बी और ए दोनों के ट्रांजिशन हर स्टेट पे देने हैं, ये DFA का रूल है। NFA का रूल बता दूंगी, जो आप कह रहे हो ना कि हम वो स्टार्ट ही नहीं करेंगे, वो हम कर सकते हैं। मैम हाँ जी, मैम
Q1 पे भी डेड स्टेट होगी क्या? Q1 पे क्यों डेड स्टेट होगी? मैं तो ए स्टार्ट मैम देख ए से एंड भी तो करना है। मैं देख मेरी बात सुन, ए बी ए ये तो एक्सेप्ट हो सकती है ना, बता? यस मैम, यस मैम, ये एक्सेप्ट हो सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर ए आ गया मेरा पहला, फिर अगर इसका बी आता है तो आइदर मैं यहाँ रहूं, इसी स्टेट पे रहूं, या किसी और स्टेट पे जाऊं, लेकिन ये मेरी एक्सेप्ट होगी। अब आपको यही तो ट्रांजिशन का ही तो गेम है, तभी तो आपको पूरा दिन दिया है। आप सोचो आराम से, नहीं आएगा मैं सारे डाउट क्लियर करूंगी, इवन इसके भी हम एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है? हिंट मिल गई दोनों क्वेश्चंस की, चलें अब आगे। यस मैम। आपकी लड़कियां नहीं एक्टिव है, कर रही हैं या नहीं कर रही हैं क्वेश्चन? ट्राई किए थे, ट्राई किए थे, कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई मैम? मैम सेकंड वाला कर दो, फर्स्ट इशू तो आप सॉल्व शाम करके भेज देंगे, ठीक है? और चीटिंग करके भी भेज सकते हो, वो पता चल जाता है, लेकिन पता है। चले 24/4/21 आज की डेट है ना। चलो उस दिन मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग तक, है ना? स्ट्रिंग आपको सबको निकालनी आ गई, स्ट्रिंग क्या होती है, लेंथ निकालनी आ गई सबको, लेंथ क्या होती है, ठीक है? आज हम बात करते हैं जैसे सब स्ट्रिंग्स की। सब स्ट्रिंग भी मैं बता चुकी हूँ, बट उसको एक टर्म्स में बात करते हैं। जैसे सपोज मैंने बोला कि मेरे जो अल्फाबेट्स हैं वो हैं आपके ए कॉमा बी, अब इसकी सब स्ट्रिंग्स बताइए क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं जीरो लेंथ। जीरो लेंथ की जो सब स्ट्रिंग होती है उसको हम बोलते हैं नल। ये हर स्ट्रिंग में होती है। फिर हम देखते हैं वन लेंथ की। वन लेंथ की तो सबको पता है क्या होगी, ए होगी और बी होगी। फिर हम देखते हैं टू लेंथ की। टू लेंथ की कौन कौन सी हो सकती है, ए ए हो सकती है, ए बी हो सकती है, बी ए हो सकता है, बी बी हो सकता है। फिर हम देखते हैं थ्री लेंथ की, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी एंड मैनी मोर, ठीक है? ऐसे फोर्थ की, ऐसे फिफ्थ की, ऐसे सिक्स की। तो जब हम इन सब को कंबाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी स्ट्रिंग क्या है। इसको बोलते हैं हम, इस चीज को बोलते हैं सब स्ट्रिंग्स। आई बात समझ में? यस मैम। चलो अब नेक्स्ट है हमारा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग। ये सारी टर्म्स याद रखना, अगर आप चाहो अपने मेरे साथ अपनी अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हो, क्योंकि ये टर्म्स ही आपको आगे काम आएंगे, ठीक है? प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने आपको दे रखी है एक स्ट्रिंग, वो है आपकी ए बी बी, ठीक है? ये मैंने आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है, अब मैंने बोला इसका प्रीफिक्स बताओ क्या होगा। तो इसका प्रीफिक्स पहला नल होगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, और सफिक्स का मतलब होता है पीछे से स्टार्ट करते हैं। प्रीफिक्स का मतलब होता है स्टार्ट से स्टार्ट करना, सफिक्स का मतलब होता है एंड से स्टार्ट करना। तो सबसे छोटा प्रीफिक्स इसका जीरो लेंथ का क्या होगा, नल। वन लेंथ का क्या होना है, ए। टू लेंथ का क्या होना है, ए बी। थ्री लेंथ का क्या होना है, ए बी बी। इससे ज्यादा प्रीफिक्स बन सकते हैं उसके, जैसे मेरा नाम है तुनिशा, टी यू एन आई एस एच ए। अब मैंने पूछा इसका प्रीफिक्स बताओ क्या होगा, तो इसका प्रीफिक्स नल हो सकता है, टी हो सकता है, टी यू हो सकता है, टी यू एन हो सकता है, टी यू एन आई हो सकता है,
टी यू एन आई एस हो सकता है, टी यू एन आई एस एच हो सकता है और टी यू एन आई एस एच ए भी हो सकता है। बात आ गई सफिक्स प्रीफिक्स क्या होता है, किसी को कोई डाउट है प्रीफिक्स में? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सफिक्स की। अब सफिक्स बताओगे मेरे नाम का क्या होगा? सफिक्स बताओ, पहला सफिक्स क्या होगा? ए होगा। नल 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 फिक्स है। फिर ए, ए फिर एच, ए एच होगा या मैंने क्या बोला था उल्टा चलते हैं एच ए होगा। ए एच एच ए होगा, फिर एस एच ए होगा, फिर आई एस एच ए होगा, फिर एन आई एस एच ए होगा, फिर यू आई एस एच ए होगा, फिर टी यू एन आई एस एच ए होगा। ठीक है, मतलब ये इतना काम नहीं आएगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे से, सफिक्स का मतलब होता है पीछे से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पावर की, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। पावर ऑफ एन अल्फाबेट, पावर का मतलब होता है अल्फाबेट को मैंने आपको बताया था सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मैंने सिग्मा के ऊपर जीरो लगा रखा है, सिग्मा के ऊपर जीरो लगा रखा है, इसका मतलब होता है इसमें क्या आएगा नल। अगर सिग्मा के ऊपर वन लगा रखा है तो इसमें क्या आएगा जो वन लाइन से स्ट्रिंग स्टार्ट होती है। अगर मैंने सिग्मा के ऊपर टू लगा रखा है तो इसमें क्या आएगा जो टू लाइन से स्ट्रिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर मैंने सिग्मा के अंदर थ्री लगा रखा है तो क्या आएगा इसमें, सिग्मा के अंदर थ्री लगा रखा है तो ट्रिपल ए, मतलब इसमें आ रही है जीरो लेंथ, इसमें आ रही है वन लेंथ, इसमें आ रही है टू लेंथ और इसमें क्या आएगी फिर आपकी थ्री लेंथ। ठीक आ गई बात समझ में। फिर इसके बाद आता है नी क्लोजर, नी स्टार क्लोजर, जिसके बारे में शायद कल मैंने थोड़ा सा बात करी थी। जब हम इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं तो देखो जीरो लगा रहे थे तो क्या रहता है जीरो लेंथ का, वन लगा रहे थे तो वन लेंथ का, टू लगा रहे थे तो टू लेंथ का, थ्री लगा रहे थे तो थ्री लेंथ का। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर स्टार लगा दिया तो स्टार का मतलब होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लेंथ, सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री सिग्मा थ्री सब का यूनियन है ये सिग्मा स्टार। मतलब इसमें कौन कौन सी स्ट्रिंग आएगी, इसमें जीरो लेंथ की भी आएगी, इसमें वन लेंथ की भी आएगी, इसमें टू लेंथ की भी आएगी और थ्री लेंथ की भी आएगी। ये होता है स्टार का मतलब, ये ध्यान रखना स्टार का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आगे बहुत काम आएगा इस टीयूसी में, इसलिए इस लाइन को इम्पोर्टेंट करके लिख लेना। ठीक है, इसके बाद आता है इसी का छोटा भाई है उसको बोल सकते हैं हम पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर का मतलब हो गया इसमें लिख रहा होगा सिग्मा प्लस, ये ऊपर वाला था स्टार और नीचे वाला है प्लस। प्लस का मतलब होता है जो इसकी स्टार्टिंग बेसिकली कहाँ से होनी है मैं आपको बताऊँ, सिग्मा वन से, सिग्मा टू से, सिग्मा थ्री से। मतलब इसमें नल स्ट्रिंग नहीं आती है, इसमें जो आती है वो ए से स्टार्ट होती है, ए बी ए ए बी बी, यहाँ से इसमें नल स्ट्रिंग नहीं आएगी। इसको दूसरे फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं
कि अगर हम सिग्मा स्टार से माइनस कर दें सिग्मा जीरो को, तो भी तो सेम ही चीज होनी है ना, ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, चाहे आप उस चीज को ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, राइट? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। बहुत छोटी छोटी टर्म है, बस इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया उसको याद रखना, यही काम आएगा कि स्टार का मतलब क्या होता है और प्लस का मतलब क्या होता है, ठीक है? ये स्लाइड्स वैसे तो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अगर स्लाइड्स चाहिएगी तो मैं स्लाइड्स भी भेज दूँगी, ठीक है? चलो नेक्स्ट टर्म आती है ग्रामर। जिसे कल मैंने डीएफए के टपल्स बताए थे वैसे ही आपके ग्रामर के भी 4 टपल्स होते हैं। ठीक है, पहला ग्रामर का टपल होता है आपका वी टी पी और एस। देखो वी का मतलब होता है, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दू तो यार, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे पहले एक और चीज सीख लो, नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल, ये दो टर्म्स हैं। टर्मिनल का मतलब होता है स्मॉल लेटर ए बी सी डी या फिर कोई भी डिजिट भी हो सकती है 1 2 3 एंड सो ऑन। जो भी चीज आपके स्मॉल में लिखी हुई होती है उसको बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना कि जो भी चीज आपके स्मॉल में लिखी होती है उसको बोलते हैं हम टर्मिनल्स, ठीक है? आइदर क्वेश्चन में वो गिवन भी हो सकता है और आप खुद भी समझ सकते हो, ठीक? अगर स्मॉल में लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनल है। और नल जो स्ट्रिंग आती है, और जो नल स्ट्रिंग आती है वो भी आपकी आती है टर्मिनल, ठीक है? अब नॉन टर्मिनल क्या होते हैं? जो कैपिटल लेटर में लिखे होते हैं, नॉन टर्मिनल जैसे नाम बता रहा है कि ये खत्म नहीं होते, टर्मिनल का मतलब ये होता है टर्मिनेट हो जाना, तो नॉन टर्मिनल का मतलब हो गया कि भाई ये खत्म नहीं होते हैं, और टर्मिनल का मतलब हो गया ये खत्म होते हैं, ठीक है? तो जो ग्रामर होती है ये 4 टपल, ये बात समझ में आ गई टर्मिनल और नॉन टर्मिनल? किसी को कोई डाउट इसमें? मैम सिंबल्स किस में आते हैं? सिंबल्स आपके टर्मिनल्स में आते हैं। कैपिटल लेटर को छोड़ के जो कुछ भी आ रहा है वो सब टर्मिनल है, ठीक है? यस मैम। चलो नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामर में। ग्रामर में आपके 4 टपल होते हैं, पहला जो वी होता है उसको बोलते हैं हम, दूसरा कलर यूज कर, पहला जो वी होता है उसको बोलते हैं हम सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, ठीक है? दूसरा वाला जो टी होता है उसको बोलते हैं हम सेट ऑफ टर्मिनल, अरे पी को बोलते हैं हम सेट ऑफ प्रोडक्शन, सेट ऑफ प्रोडक्शन, और एस को बोलते हैं हम स्टार्ट सिंबल।
पहला जो वी होता है उसको बोलते हैं सेट ऑफ नॉन टर्मिनल, फिर बोलते हैं सेट ऑफ टर्मिनल, फिर सेट ऑफ प्रोटेक्शन, और सेट और ये होता है स्टार्ट सिंबल। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, आगे आपको ज़्यादा समझ आएगा कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो ग्रामर है उसको हम पहले जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी के अंदर हमें ये चारों टप्पल बताने पड़ते हैं, ये कंपलसरी है। तो अगर मैंने कोई ग्रामर लिख रखी है, सपोज ऐसे लिख रखी है, ए टेंस टू एक्स टेंस टू ए बाई वाई टेंस टू नर, ठीक है। तो इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपके लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, ये एक एरो है, एरो का एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है, ठीक है। तो जो लेफ्ट पार्ट है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके नॉन टर्मिनल ही आते हैं, और राइट पार्ट में कॉम्बिनेशन होता है आपका वी यूनियन टी का, वी यूनियन टी मतलब इसमें नॉन टर्मिनल और टर्मिनल इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, नॉन टर्मिनल और टर्मिनल में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये बात कंपलसरी है मोस्ट ऑफ द ग्रामर्स में कि आपके लेफ्ट साइड पे हमेशा नॉन टर्मिनल ही आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल लिखा है, देखो आप अपने एग्जांपल में मैंने कैपिटल लिख रखा है, पर राइट हैंड साइड पे आप टर्मिनल भी लिख सकते हो, नॉन टर्मिनल भी लिख सकते हो, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी लिख सकते हो। इसको बोलते हैं हम ग्रामर, जो हमने ये चीज लिख रखी है इसको बोलते हैं हम ग्रामर। इस ग्रामर में जो एरो को लेके इस चीज को जो लिखा गया है इसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन रूल, मतलब ये पूरी चीज आपकी कहलाती है प्रोडक्शन। क्योंकि हमने कोई रूल बनाए उस रूल के वजह से ये ग्रामर है, तो इस चीज को बोलते हैं हम प्रोडक्शन रूल। अब जो ग्रामर की फर्स्ट लाइन का लेफ्ट सिंबल है उसको बोलते हैं स्टार्ट। देखो इसमें चार टपल थे, नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल और स्टार्ट सिंबल। हम मैंने इस ग्रामर को जो एग्जांपल में लिया है इसमें मैंने आपको पूरा बता दिया कि लेफ्ट साइड पे आपके नॉन टर्मिनल है, राइट साइड पे आपके टर्मिनल नॉन टर्मिनल का कॉम्बिनेशन है, और इस पूरे जो एरो को लिखा गया है इसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन रूल, और जो स्टार्ट से जो भी हमारी ग्रामर स्टार्ट हो रही है उसका जो पहला अल्फाबेट है जो लेफ्ट हैंड साइड पे पहली चीज लिखी हुई है उसी को बोलते हैं हम स्टार्ट। चारों चीज आ गई, नॉन टर्मिनल भी आ गया, टर्मिनल भी आ गया, स्टार्ट सिंबल भी आ गया और प्रोडक्शन भी आ गया। ग्रामर में किसी को डाउट? नो मैम। सो मैम चले आगे। यस मैम। चलो आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में 1-10% आएगा उसको बोलते हैं चॉम्स्की हायरार्की। 1-10% ही आने वाला है। चॉम्स्की हायरार्की हमेशा पूछता है आरटीयू, पिछली बार भी था, ठीक है। इसका एक डायग्राम है, उस डायग्राम से मैं सिंपली समझा दूंगी, बहुत इजी है। याद है परसों तरसों मैंने कुछ एक डायग्राम बनाया था फॉर्मल लैंग्वेजेस का, इसमें बताया था रेगुलर, CFL, CSL, ऐसा कुछ बताया था, याद हो तो है ना। तो टाइप थ्री को जो होती है उसको हम बोलते हैं रेगुलर, टाइप टू लैंग्वेज को हम बोलते हैं CFL,
टाइप वन लैंग्वेज को बोलते हैं CSL और टाइप जीरो लैंग्वेज को बोलते हैं REL, रेगुलर इन्यूमरेबल लैंग्वेज, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि इसको एक्सेप्ट करता है फाइनाइट ऑटोमेटा, इसको एक्सेप्ट करता है PDA, इसको एक्सेप्ट करता है LBA और इसको एक्सेप्ट करता है ट्यूरिंग मशीन। ये मैंने उस दिन भी बताया था। इसी डायग्राम को बोलते हैं हम रेगुलर लैंग्वेज। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मेरी कोई लैंग्वेज CFL है, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी लैंग्वेज CFL है, तो क्या आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हो कि वो लैंग्वेज रेगुलर होगी या नहीं? अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरी लैंग्वेज CFL है, ये वाली है, तो क्या वो रेगुलर होगी? यस मैम होगी। कितने लोग यस कर रहे हैं? जो लोग यस कर रहे हैं वो अपना रेज हैंड करें। कितने लोग यस कर रहे हैं? कितने लोग यस कर रहे हैं? हर्ष कर रहा है केवल यस, बाकी सब नो कर रहे हैं। अच्छा विवेक और प्राची, प्राची आपका ओपिनियन क्या है? अगर वो CFL है तो क्या रेगुलर होगी? प्राची प्राची एब्सेंट कर दूं क्या? प्राची प्राची जी ना चैट पे आना, क्या होगा प्राची आंसर? प्राची एब्सेंट है आज रेगुलर। आपका वो माइक नहीं चल रहा गया? मैम मैम CFL तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है ना? हाँ जी। प्राची का माइक चल रहा है या नहीं चल रहा? रिद्धि का मैम पता नहीं, तो वो बोल क्यों नहीं रही है? क्या इसकी आईडी किसी और ने लॉगिन कर रखी है? मैम रिप्लाई तो दे रही हूँ मैम चैट में। रिप्लाई तो बेटा मैं भी दे सकती हूँ, मैं अपने एक लैपटॉप पे ऑन कर लेती हूँ किसी की आईडी और अपने फोन पे किसी और की, मैं रिप्लाई दे सकती हूँ। हाँ जी यस मैम बोलिए। क्या हो गया प्राची, पहले क्यों नहीं चल रहा था? मैम वो ब्लूटूथ काम नहीं कर रही थी, इस वजह से आपके पास आवाज नहीं जा पा रही थी। अच्छा तो ये रेगुलर है आपके अकॉर्डिंग? यस मैम। चलो ठीक है। रोहन ये रेगुलर क्यों नहीं है बेटा? मैम रेगुलर CFL के अंडर आता है, लेकिन CFL रेगुलर के अंडर नहीं है। अंडर नहीं आता है जो क्लास ये कह रही थी ना रेगुलर है। एक बार बताओ, ये तो छोटा सा है रेगुलर का और ये बड़ा है, तो अगर मैं कह रही हूँ यहाँ आ रही है तो क्या वो रेगुलर होगी? ये तो वैसे ही दिख रहा था डायग्राम से, नहीं होगी। मैम CFL जो है वो रेगुलर को इनक्लोज कर रखा है। हाँ तो जो भी चीज यहाँ आएगी इस वाले ब्लॉक में, तो वो चीज CFL होगी आपकी। लेकिन जो चीज CFL होगी, यस मैम, लेकिन एक ऐसे समझ लो आपने एक बड़ी बकेट रख रखी है, उस बकेट के अंदर एक छोटी बकेट रख रखी है, तो जो छोटी बकेट में सामान है वो तो बड़ी बकेट कंटेन कर ही रही है ना, लेकिन जो बड़ी बकेट में सामान है वो छोटी बकेट कंटेन नहीं कर रही है।
मैम आपने तो यही पूछा था ना जो CFL है वो रेगुलर होगी कि नहीं होगी. हाँ मैंने यही पूछा था. तो CFL के अंदर तो रेगुलर है. ठीक है. CFL जो है वो रेगुलर को इनक्लोज कर रखा है. हाँ तो एक बार बताओ ये बड़ा बड़ा डिब्बा है आपके अंदर है ना, इसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है कुछ 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 ठीक है. और एक आपके पास छोटा सा डिब्बा है ये वाला, तो जो सामान बाहर पड़ा हुआ है तो क्या वो छोटे डिब्बे में आ रहा है? मैं मैंने उल्टा समझ लिया. मैं को ये लगा था कि जो छोटे डिब्बे में वो बड़े डिब्बे में होगा ही होगा. मैं मेरे को ये लगा ये था. मैं क्वेश्चन ये पूछती फिर कि हर रेगुलर लैंग्वेज CFL होती है क्या? तो आपका आंसर सही था कि हाँ हर रेगुलर लैंग्वेज CFL होती है क्योंकि वो छोटे डिब्बे में आ रही है. इसीलिए ये डिब्बा याद रखना ज़रूरी है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके RTU में 10 नंबर का कन्फर्म आएगा कन्फर्म. ओके ठीक है. आप इनके बारे में लिख सकते हो ये फाइनाइट ऑटा के मेटा के थ्रू होती है, ये पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू, ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के थ्रू, और ये ट्यूरिंग मशीन के थ्रू. अब मैं क्वेश्चन पूछूं कि कोई चीज़ CSL है तो क्या वो रेगुलर होगी? प्राची अगर CSL है तो क्या रेगुलर होगी? नो मैम. नहीं. अब बात समझ में आ गई ना कि जो चीज बड़े डिब्बे में आ रही है वो छोटे डिब्बे में नहीं आएगी. आगे बात समझ में मैम? हाँ बेटा. मैम ये चॉम्स्की हायरार्की दोबारा समझा सकते हैं? मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में. अच्छा कितने ऐसे मानुभाव है जिनको दोबारा समझना है, दोबारा पूरा शुरू से. मैम सॉरी मेरे को भी समझना है. गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था. अच्छा समझ ही नहीं आया. यस मैम. चल ठीक है एक बार और रिपीट कर देती हूँ, दूसरी स्लाइड पे बताते हैं ना. इसमें चार डिब्बे हैं. पहला है टाइप ज़ीरो जिसको हम बोलते हैं रेगुलर. दूसरा है टाइप वन जिसे हम बोलते हैं CFL. तीसरा है टाइप टू जिसे हम बोलते हैं CSL. नेक्स्ट है टाइप थ्री जिसे हम बोलते हैं रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज, जो मैंने शायद परसों ही बताई थी. सॉरी उल्टा टाइप हो गया. ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू है और ये थ्री है. इसको बोलते हैं REL. ठीक है. ऐसे ये बहुत चारों डिब्बे की एक हायरार्की दे रखी है कि सबसे छोटी होती है रेगुलर, सबसे बड़ी होती है CFL, उससे बड़ी होती है CSL और उससे बड़ा होता है REL. ठीक है. तो जो रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है वो होता है हमारा फाइनेंट ऑटोमेटा. ये एक्सेप्ट होती है PDA के थ्रू, और ये एक्सेप्ट होती है LVA के थ्रू, और ये एक्सेप्ट होती है आपकी ट्यूरिंग मशीन के थ्रू. ये मैंने पिछली बार भी बताया था. अब मेरा क्वेश्चन, अगर आपको चोमिस्की हायरार्की लिखने को आती है तो चोमिस्की हायरार्की में आप थ्योरी में लिखोगे, पहले तो ये डायग्राम बनाओगे, फिर डायग्राम में आप ये भी लिख सकते हो कि टाइप थ्री जो है वो सब की सबसेट है टाइप टू की भी, टाइप वन और टाइप ज़ीरो. तो इसके हिसाब से टाइप ज़ीरो सबसे बड़ी हुई, फिर उससे छोटी टाइप वन हुई, फिर सबसे छोटी टाइप टू, फिर उससे छोटी टाइप थ्री. आपको ये हर की भी दे सकते हो. आप ये लिख सकते हो कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, उसका फाइनल ऑटोमेटा क्या होता है, CFL क्या होती है, PDA क्या होता है, CSL क्या होती है, LBA क्या होता है, REL क्या होती है, ट्यूरिंग मशीन क्या होता है. इसके लिए पाँच पाँच लाइन भी आप अगर आप लिख आते हो तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे. ठीक है. अभी इनके बारे में हम मैंने बताया था ना ये एक एक यूनिट है. रेगुलर क्या है, CFL, CSL, REL, ये एक एक यूनिट है. तो इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. बस हम इस हायरार्की से ये समझ रहे हैं कि अगर कोई चीज़ बड़ी बड़ी में आ रही है तो वो ज़रूरी नहीं है कि छोटी में आए. मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई लैंग्वेज CFL है तो वो ज़रूरी नहीं कि रेगुलर हो. लेकिन अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है, अगर वो कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो वो डेफिनेटली CFL होनी है, डेफिनेटली CSL होनी है, और डेफिनेटली REL होनी है.
सिर्फ ये चीज बताई थी, आगे समझ में? यस मैम। ठीक है, आज का यही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आप इसके बारे में एक बार जो मैंने बुक्स बताई है वो डाउनलोड करी किसी ने? जो मैंने ओल्ड मैन बताई थी वो किसी ने पीडीएफ डाउनलोड करी या नहीं करी? आज का टास्क ये है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है। ओल्ड मैन नाम से बुक है एक टीओसी की, उस बुक को डाउनलोड करना है, उस बुक से पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि ये आपकी आधी यूनिट हो चुकी है। बात आ गई समझ में बच्चों? ठीक है, और आपकी क्लास के बच्चों को बता देना कि वो नहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अब मैं कल से रिकॉर्डिंग भी बंद कर दूंगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद करने का मेरे पास है, मैं बंद कर सकती हूँ। वही सोचे ना, रिकॉर्डिंग देख के सीख लेंगे। और किसी को कोई डाउट यार टीओसी में? टीओसी के अलावा किसी और सब्जेक्ट में डाउट हो तो भी पूछ सकते हो आप। प्राची? यस मैम। समझ आ रहा है सारे सब्जेक्ट्स? हाँ मैम। कौन कौन से सब्जेक्ट थे? डीवीएमएस, टीओसी और टीएमएस। ओके, डिस्ट्रिक्ट एमआई, एमआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग। या एमआई की फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसेस। अरुणा मैम ले रही है, अरुणा मैम कौन ले रहा है आपका माइक्रो प्रोसेसर? सर लेते हैं। दिवाकर सर, दिवाकर सर, दिवाकर सर। अच्छा अच्छा, बाकी सारे सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं ना? मतलब टीओसी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये बता दो। चलो टीओसी आ रहा है या नहीं आ रहा? यस मैम आ रहा। थोड़ा यस मैम आ रहा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है टीओसी, और इसमें ना करीबन जो लोग गेट के लिए जाना चाह रहे हैं ना, गेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इसमें डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस से 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है टीओसी। ठीक है, तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो भी समझने की कोशिश कर लो। आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोग घर पे हो तो ऐसे पढ़ने का माहौल नहीं बनता है। एवरीवन वांट्स टू गो कॉलेज एंड टेक लेक्चर फ्रॉम देयर, बट स्टिल इफ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन तो आपके करिकुलम में है, आप अपनी बीटेक खराब मत करो, आप पढ़ना शुरू कर दो। मैम थर्ड टाइम टोटली क्लोज कर दे क्या बेटा? मुझे इसका आइडिया नहीं है कि तुम्हारे पेपर होंगे या नहीं होंगे, कुछ भी नहीं पता, मतलब मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। इवन आई थिंक किसी को भी आइडिया नहीं है मैम। राजस्थान पत्रिका में